तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सुजुकी वी स्ट्रॉम 250SX और हमारी एक्सपल्स 204V। तो इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है दो एडवेंचर बाइक। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी है सुजुकी की विस्टॉम 250 और हमारे जो राइट हैंड साइड में है वो है हीरो की एक्सपल्स 204V। तो आज हम इन दोनों ही बाइक्स का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करेंगे इन दोनों ही बाइक्स के प्राइसिंग के बारे में। तो हमारी जो विस्टॉम है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2,13,000 रुपीज़ और उसकी ऑन रोड प्राइस है 2,53,000 रुपीज़। और वही बात करूँ एक्सपल्स 4V के बारे में, तो एक्सपल्स की जो दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,30,000 रुपीज़ और इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,60,000 रुपीज़। तो इन दोनों भी बाइक्स के प्राइसिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बाइक आपको 250cc में देखने के लिए मिल जाती है और हमारी जो एक्सपल्स है वो आपको 200cc में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात करेंगे दोनों के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो हमारी जो वीस्ट्रॉम 250 है उसका लुक आपको इसकी बड़ी सिबलिंग मतलब वीस्ट्रॉम 650XT की तरह देखने के लिए मिल जाता है और इसमें दोस्तों आपको एक बिग बाइक का फील ज़रूर से मिलने वाला है। और वही बात करूँ हमारी एक्सपल्स 4V के बारे में, तो एक्सपल्स थोड़ी सी आपको स्लिक लगेगी, थोड़ी आपको स्लिम लगने वाली है एज़ कम्पेयर टू वीस्ट्रॉम। बाकी दोनों भी बाइक में आपको एक एडवेंचर बाइक के लुक एंड फील मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों बात करूँ इन दोनों बाइक्स के फ्रंट सेक्शन के बारे में, तो फ्रंट सेक्शन में दोनों बाइक्स में आपको LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे जो वीस्ट्रॉम है उसमें आपको जिक्सर 250 की तरह ही सेम टू सेम हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि LED में है, और यहाँ पे वो इंडिकेटर जो आपको बल्ब में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके हेडलैम्प्स। और वही बात करूँ एक्सपल्स 4V के बारे में, तो एक्सपल्स में हमें देख सकते हो तो एक राउंडेड शेप में LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स यहाँ भी आपको बल्ब में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे भी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको LED के DRLs भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोनों भी बाइक्स में दोस्तों आपको यहाँ पे एक बड़ी सी बिग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक नोज की तरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। और हमारी जो एक्सपल्स है उसमें भी आप देख सकते हो एक बड़ी सी बिग देखने के लिए मिल जाती है जो कि दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों वही बात करूँ इन दोनों बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीस्ट्रॉम में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं और हमारी जो एक्सपल्स है उसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों वीस्ट्रॉम का जो ट्रैवल है वो आपको 120mm का देखने के लिए मिल जाता है और हमारे जो एक्सपल्स है वो आपको 37mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। और रियर में दोस्तों दोनों ही बाइक्स में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि एडजस्टेबल है। तो सस्पेंशन के मामले में ये दोनों जो बाइक्स है आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। और दोस्तों आओ इन दोनों बाइक्स के व्हील्स की तरफ, तो आपको वीस्ट्रॉम में 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं और रियर में जो है दोस्तों आपको यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों टायर के बारे में बात करूँ तो आपको वीस्ट्रॉम में ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं फ्रंट एज वेल एज रियर में। फ्रंट में आपको दोस्तों 100 सेक्शन के और रियर में 140 सेक्शन के वाइडर टायर्स वीस्ट्रॉम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों एक्सपल्स के बारे में बात करूँ तो एक्सपल्स में आपको 21 इंचेस के स्पोक व्हील्स फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं और जो रियर है उसमें आपको दोस्तों 17 इंचेस के स्पोक व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्यूब वाले टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। और टायर के बारे में बात ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप 90 सेक्शन के टायर देखने के लिए मिल जाएंगे और रियर में आपको 120 सेक्शन के टायर देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आपको टायर जो है वो वीस्ट्रॉम में थोड़े से बड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों बात करो इन दोनों बाइक्स के इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों बाइक्स में आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। बट जो हमारी वीस्ट्रॉम है उसमें आपको 250cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करती है 26.5 PS ऑफ पावर एंड 22.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और वही दोस्तों बात कर लूँ हमारे एक्सपल्स 4V के बारे में, तो यहाँ पे आपको 200cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 19.1 PS ऑफ पावर एंड 17.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स दोस्तों दोनों में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये दोस्तों 200cc की बाइक है हमारी एक्सपल्स और वीस्ट्रॉम जो है हमारी 250cc की बाइक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों के पावर फिगर्स के बारे में। और दोस्तों पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट दोनों भी बाइक्स में देखने के लिए मिल जाता है। बट जो वीस्ट्रॉम है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और वही हम बात करेंगे एक्सपल्स के बारे में, तो एक्सपल्स में हमें एक बड़ा सा एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको ऊपर की तरफ माउंटेड है। तो
इस बाइक को लेके आप बहुत ही इजीली रिवर क्रॉसिंग वगैरह भी कर सकते हो। और बात करूँ इन दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको दोनों ही बाइक्स में ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाती है। तो वीस्ट्रॉम में आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाता है, और हमारी जो एक्सपल्स है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों वीस्ट्रॉम में हमें 6 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड गेयर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। और हमारी जो एक्सपल्स है उसमें आपको जो है 5 स्पीड का ही गेयर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आएंगे हम इन दोनों बाइक्स के टेल लैंप्स की तरफ। तो आप इन दोनों बाइक्स का टेल पोर्शन देख सकते हो, दोनों में भी आपको अलग अलग टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जिक्सर 150 में जैसे टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते थे, वैसे ही LED टेल लैंप्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इंडिकेटर जो है आपको बल्ब में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। और वही बात करूँ एक्सपल्स में, तो एक्सपल्स में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स के साथ साथ जो साइड इंडिकेटर्स है आपको बल्ब में देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। अभी आएंगे इन दोनों बाइक्स के सीट्स के तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीस्ट्रॉम में आपको स्प्लिट सीट्स देखने के लिए मिल जाती है, राइडर एज वेल एज पिलियन को अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आप बहुत ही इजीली लॉन्ग राइड्स वगैरह कर सकते हो। और कुशनिंग क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं विद टॉप रैक। तो यहाँ पे आपको एज एन एक्सेसरी कोई भी टॉप रैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ आता है। और वही बात करूँ हमारे एक्सपल्स 4V की तरफ, तो एक्सपल्स में आपको एक बड़ी सी सिंगल सीट्स देखने के लिए मिल जाती है जो कि ड्यूअल टोन कलर में आती है। और यहाँ पर भी आपको राइडर और पिलियन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग राइड्स के लिए, आप बहुत ही इजीली इसके ऊपर लॉन्ग राइड्स कर सकते हो। और यहाँ पे कुशनिंग क्वालिटी अच्छी खासी है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉप रैक भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ आता है। और दोस्तों बात कर लो इन दोनों का इसके हैंडल बार एंड मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपल्स में आपको एक फ्लैट हैंडल बार देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको रबराइज ग्रिप भी देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसके स्विचेस की क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। और डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको RPM देखने के लिए मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, क्लॉक, और दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक बड़ी सी विंडशील्ड भी देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये भी आपको दोस्तों एज एन स्टैंडर्ड आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। और दोस्तों वहीं पे मैं बात करूँ ये वीस्ट्रॉम 250 के बारे में, तो वीस्ट्रॉम में आपको रेज हैंडल बार्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों ये जो हैंडल बार्स है वो राइडर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते हैं, तो यहाँ पे आपको झुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो तो स्विचवेल की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे बात करूँ इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको एक्सेस में और एवनिस 125 में भी देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे भी आपको दोस्तों ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएंगे, कॉल मैसेज अलर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, व्हाट्सएप अलर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। और वही दोस्तों यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज, उसके बाद स्पीडोमीटर, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो फ्यूल गेज अपने को देखने के मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ी सी विंडस्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, दोनों भी बाइक में आपको एडजस्टेबल विंडस्क्रीन नहीं देखने के लिए मिल जाती है, ये नॉन एडजस्टेबल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी आपको एक नकल गार्ड देखने के लिए मिल जाता है जो कि एज एन स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे इन दोनों बाइक से ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो वीस्ट्रॉम में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो आपको सिटी में एज वेल एज आप माउंटेन पे भी चलाते हो, यहाँ पे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही बात करूँ एक्सपल्स के बारे में, तो एक्सपल्स में आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब आपको वीस्ट्रॉम से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिवर क्रॉसिंग वगैरह करते समय भी दोनों बाइक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बहुत ही ईजिली इन दोनों बाइक्स के ऊपर
ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। ये दोनों भी बाइक्स उतनी कैपेबल है कि आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर सकते हो, या आप सिटी कम्यूटिंग के लिए भी कोई बाइक देख रहे हो तो इन दोनों भी बाइक्स में से कोई भी बाइक चॉइस कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दोस्तों बात करूँ तो इन दोनों बाइक्स में आपको कलर ऑप्शन भी अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएंगे। V-Strom में भी आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि है एक हमारे पास जो अभी है वो ऑरेंज कलर है, उसमें अभी ब्लैक और येलो ऐसे दो कलर और देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे आपको तीन कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों हमारी एक्सपल्स भी है, यहाँ पे भी आपको तीन कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे पास अभी है वो ब्लू एंड व्हाइट कलर ऑप्शन है। और बात करूँ इन दोनों बाइक्स के वेट के बारे में, तो दोस्तों हमारी जो V-Strom है उसमें आपको 167 kg का वेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा वेट है, तो सिटी में चलाने के लिए फिर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों हमारी जो एक्सपल्स है उसका वेट है 158 kg, तो ये जो बाइक है ये एज़ कम्पेयर टू V-Strom थोड़ी सी आपको हल्की लगने वाली है। और दोस्तों ओवरऑल ये बाइक का जो लुक है आपको स्लिक लगेगा, थोड़ी सी हमारी V-Strom है वो बिग बाइक का आपको फील प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों चलिए अभी जाते जाते इन दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। पहले हम देखेंगे V-Strom 250 का एग्जॉस्ट नोट। अभी आ जाएंगे एक्सप्रेस 204V की तरफ, तो यहाँ पे हम इसे चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आपने इसका भी एग्जॉस्ट साउंड देख लिया, दोनों भी बाइक में आपको बहुत ही अच्छा खासा और ग्रंटी एग्जॉस्ट साउंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इन दोनों बाइक्स का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम आ जाएंगे हमारे कंक्लूजन की तरफ कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे जो एक्सपल्स है, आपका बजट जो है दोस्तों 1 से 1.5 लाख के बीच में है तो आप एक्सपल की तरफ जा सकते हो। और आपका दोस्तों बजट थोड़ा 2 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे आप जो है V-Strom देख सकते हो मेरे पीछे, तो यहाँ पे आप V-Strom को कंसिडर कर सकते हो। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए और सिटी राइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बाइक ले सकते हो। और दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इन दोनों में से कौन सी बाइक कंसिडर करोगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, तो यहाँ पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो इन दोनों बाइक्स में, आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।